Hey everybody, Varun here from Language Academy. Guys, welcome back to another video. This video, we are going to look at IELTS speaking part 2. We call it as, or we refer it as cue card. A lot of students find this difficult, but in this video, I'm going to clear each and everything you are confused about. This video is going to be in Hindi, and English version of this video is going to be out soon. So if you don't speak or understand Hindi, you can consider subscribing to the channel so that whenever I upload the English version, you are the first person to know about it. इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, IELTS स्पीकिंग का एक ऐसा टास्क जो इजी है, लेकिन बहुत बच्चे ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं, कंफ्यूज होते हैं और डरते हैं इसे। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, ये बताऊंगा कि इसकी टास्क डिस्क्रिप्शन क्या है, मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, कि जो एग्जामिनर है, जो आपका एग्जाम या आपका रिस्पॉन्स असेस करेगा, कौन कौन सी चीजों को देखेगा वो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसी चीजों को ध्यान रखते हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं होती। फिर मैं आपको 25 टिप्स दूंगा और हर एक टिप प्रूवन है और एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा कि ये चीजें बच्चे नॉर्मली गलती करते हैं और आपने ये चीजें की गलती नहीं करनी है। फिर उसके बाद मैं आपको अपना नोट टेकिंग दिखाऊंगा कि मैं नोट्स कैसे लेता हूँ, जो आपको एक मिनट दिया जाता है अपने नोट्स तैयार करने के लिए। एंड आफ्टर दैट मैं आपको एक सैम्पल रिस्पॉन्स भी दूंगा कि मैं कैसे एक क्यू कार्ड को आंसर दूंगा जब मुझे आइडियाज भी नहीं आ रहे हैं। इवन दो यू रन आउट ऑफ आइडियाज, आपके पास इनफ आइडियाज ना हो, फिर भी आप क्यू कार्ड को कैसे आंसर कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड एंड टेक द नोट्स, जो भी बता रहा हूँ लिख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत कीमती रहेगा और पक्का आपका बैंड स्कोर इससे इंप्रूव होगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ और आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजों का आपने ध्यान रखना है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। Alrighty, let's have a look here. What we have got IELTS speaking part 2 cue card. होता क्या है इसमें, एक से दो मिनट का होता है। आपको किसी भी टॉपिक पे एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके साथ तीन चार बुलेट पॉइंट्स होंगे। उसके बाद आपको एक मिनट का प्रिपरेशन टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको एक नोट पैड या शीट और पेन भी दिया जाएगा, जहां आप अपने नोट्स लिख सकते हैं। उसके बाद आपको एक से दो मिनट के लिए बोलना है। बच्चे एक मिनट पे रुक जाते हैं, नहीं, मैं रेकमेंड करूंगा एग्जैक्ट यहाँ दो मिनट आप बोलो। जब आप टाइम लिमिट के ऊपर जाओगे तो वो अपने आप ही आपको रोक देंगे। ऑलमोस्ट चार बैंड आपके आते हैं स्पीकिंग में इस पर्टिकुलर टास्क से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है स्पीकिंग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर डिफिकल्ट नहीं है अगर आप इसको सही से करो। अब इसकी देखते हैं मार्किंग। मार्किंग स्पीकिंग की, स्पीकिंग की मार्किंग हमेशा चार पैरामीटर्स पे होती है। पहली बात तो इसमें टास्क अचीवमेंट नहीं होता, राइटिंग में टास्क अचीवमेंट होता है, स्पीकिंग में नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि वो आपके आइडियाज की एक्यूरेसी जज नहीं करे। राइटिंग में वो देखते हैं कि आपके आइडियाज कैसे हैं, आपने उसको कैसे लिखा हुआ है, लेकिन स्पीकिंग में वो आपके आइडियाज की एक्यूरेसी जज नहीं कर रहे हैं। वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जज कर रहे हैं कि ये बंदा बातचीत कर सकता है इंग्लिश में या नहीं। चार चीजें होती हैं, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस का क्या मतलब है कि आप हेजिटेट मत करें, बार बार अपने आप को रिपीट मत करें, अपने आप को करेक्ट मत करें, और लिंकर्स यूज करें। एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस का रिलेशन एस्टैब्लिश करें, जैसे बार बार पर्सन का नाम ना लें, उसको प्रोनाउन से रिप्लेस करें, ठीक है। आप फर्दर मोर यूज करें, आप ऑल्सो यूज करें, ऑन टॉप ऑफ दैट यूज करें। तो ऐसे वर्ड्स यूज करें एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाने टाइम जाने समय, जिससे कि ये एस्टैब्लिश हो कि यस, इसके आइडियाज इंटरकनेक्टेड है। फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत तेज भागना है, आप नेचुरल पॉजेस जैसे सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप पे ले सकते हो, लेकिन बहुत लंबे पॉज नहीं लेने और अननेसेसरी हेजिटेशंस नहीं होने चाहिए। फिर आ जाती है आपकी ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। मतलब क्या है, दो चीजें, ग्रामेटिकल रेंज भी है, एक्यूरेसी भी है। एक तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस बनाने हैं, बट ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है कि गलतियां कर दो उसमें। आप सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हो, एक आधा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना सकते हो, एक आधा अगर पॉसिबल हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो। और रेंज तो होगी डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस बनाना। एक्यूरेसी है जो आप सेंटेंस बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप तरह तरह के आप सेंटेंस बना रहे हैं, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, वो सही भी होने चाहिए। ये नहीं कि आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना के 20 ग्रामर गलतियां कर दी। तो ग्रामर जो भी आप बोल रहे हैं वो ग्रामर एक्यूरेट भी होनी चाहिए, प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन या ग्रामेटिकल टाइप सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको यूज करने हैं। फिर थर्ड आपके आ जाते हैं लेक्सिकल रिसोर्सेज या वोकैबलरी। देखो, आपको बहुत ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है,
लेकिन आप बिल्कुल इनफॉर्मल अपने भाई की तरह अपने दोस्त की तरह बात नहीं कर सकते, यू कांट यूज स्लैंग्स। आपको किसी हद तक थोड़ा सा फॉर्मल रहना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोफेशनल रहना पड़ेगा। एकेडमिक वर्ड यूज करो, स्लैंग मत यूज करो। स्लैंग का एक इजी एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, आई गोना डू दिस, आई वाना डू दिस, गोना वोना नहीं चलेगा उसमें। सो यू हैव टू कीप इट वेरी प्रोफेशनल, आई एम गोइंग टू डू दिस। कॉन्ट्रैक्शंस हम राइटिंग में अवॉइड करते हैं, बट यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक की जगह आई वुड लाइक टू डू दिस बोल सकते हो आप। आई कांट डू दिस भी बोल सकते हो, आई कैन नॉट की जगह आई कांट भी बोल सकते हो, या आई डोंट भी बोल सकते हो डू नॉट की जगह। तो सेमी फॉर्मल और फॉर्मल वर्ड्स यूज करने, स्लैंग नहीं यूज करने। प्लस आपको ट्राई करना है कि आप सेम वर्ड रिपीट मत करें, सिनोनिम्स यूज करें, चीजों को पैराफ्रेज करें। अगर आपको एक क्वेश्चन भी दिया गया है, टेल मी अबाउट योर, टेल मी अबाउट द प्लेस यू लिव, तो उसकी जगह आप होम टाउन बोल दो। सो यू जस्ट टेल मी अ पर्सन यू एडमायर एंड वॉन्ट टू बिकम लाइक, उसकी जगह आप रोल मॉडल बोल दो। सो सिमिलर वर्ड्स यूज करने हैं, एक आधी बार आप सेम वर्ड बोल सकते हो, पर बार बार उनको रिपीट मत करो। सो रेपिटेशन अवॉइड करनी है, सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं, इनफॉर्मल वर्ड नहीं यूज करने हैं, और अकेडमिक वर्ड यूज करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना लेक्सिकल रिसोर्सेज, जिसको हम वोकैबुलरी भी बोल देते हैं। प्रोनाउंसिएशन क्या है? एक्सेंट नहीं है प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन है क्लैरिटी। आपका थोड़ा, बच्चे कहते हैं पंजाबी टच आ रहा है या गुजराती टच आ रहा है या बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं वर्ड्स पे, दैट्स फाइन एज लॉन्ग एज इट इज क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। यस क्लियर बोलो, इम्प्रूव करने की ट्राई करो, बट एक्सेंट मत कॉपी करो। ऐसे मत बोलो कि उसको भी समझ ना लगे कि भाई ये बोल क्या रहा है, राइट? उसको कंफ्यूज नहीं करना, उसके लिए चीजें ईजी रखनी है। सो यू कीप इट वेरी नॉर्मल एंड सिंपल एंड यू विल बी 100% फाइन। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है, ये होगी हमारी मार्किंग क्राइटेरिया। पांचवी चीज, इसमें टास्क अचीवमेंट नहीं होता, तो ये नहीं देखते हैं कि आपके जो आपको क्वेश्चन दिया उसको सही तरह आंसर किया या नहीं। नहीं, वो ये देख रहे हैं कि इस बंदे ने जो आंसर दिया वो क्लियर है, वो वर्ड्स रिपीट तो नहीं कर रहा, ये हेजिटेट तो नहीं कर रहा, लिंकर्स यूज कर रहा है या नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज कर रहा है या नहीं। अगर आप कर रहे हो, यू आर 100% गुड टू गो, दीज आर द थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ। तो ये था हमारा मार्किंग क्राइटेरिया। अब चलते हैं हम, ये चार थे, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्सेज, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ऑलराइट, अब एक आपको सैम्पल क्वेश्चन दिखाता हूँ। एज सुन एज आपका 1 मिनट जो आपको प्रिपरेशन के लिए दिया जाएगा, आपको पेन और शीट भी दी जाएगी, साथ में ऊपर लिखा होगा डिस्क्राइब अ पर्सन यू एडमायर। एक पर्सन जिसको आप एडमायर करते हो या जिसको सराहते हो आप, जो जिसको आप अप्रिशिएट करते हो, उसके बारे में बताओ। आपको क्या क्या मेंशन करना है, ये आदमी कौन है, इसके बारे में आपको कैसे पता लगा, आप इसको एडमायर क्यों करते हो। ठीक है, तो अब आपको 1 मिनट जो मिलेगा, आप इसके नोट्स बनाओगे, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं, और फिर 2 मिनट के लिए इस टॉपिक के ऊपर बोलोगे। तब पहले देखते हैं टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीजें लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आपने बातचीत पे फोकस करना है, एक्यूरेसी पे नहीं फोकस करना। आप, उसने बोला कि डिस्क्राइब अ पर्सन यू एडमायर, ठीक है। अब मुझे पता है यार, मैं एडमायर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल एलन मस्क को, या स्टीव जॉब्स को, या किसी को भी एक्स वाई जेड बंदे को, या रतन टाटा को एडमायर करता हूँ। अब मेरे को तो याद नहीं है कि यार मेरे को इसके बारे में कब पता लगा था पहले, तो ये एक्यूरेसी नहीं देखनी। कुछ भी बोल दो, व्हेन आई वाज इन ईयर 10, आई वाज इन स्टैंडर्ड 10, माय टीचर टोल्ड मी अबाउट दिस ग्रेट पर्सनैलिटी एंड दैट वाज द डे आई वाज रियली इंस्पायर्ड एंड वॉन्टेड टू बिकम लाइक हिम, आई हैव फॉलोड हिम सिंस देन एंड ही हैज हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ, ऑन माई पर्सनल लाइफ। तो कोई भी कहानी बनानी है, ये कहानी बनानी है आपने, 2 मिनट निकालने हैं, क्या चीजों को ध्यान रखे, क्लियर इंग्लिश बोलने में, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी का ध्यान रखने में, वर्ड्स रिपीट नहीं करनी, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करने, और फ्लुएंटली बोलना। 2 मिनट निकालने हैं हमने, कहानी बनानी है, एक पूरा मिनट लेना है तैयारी करने के लिए। बहुत बार क्या होता है, ऐसा क्यू कार्ड आ जाता है जो सिमिलर हमने किया होता है, बच्चा भाई बिल्कुल तैयार कि हाँ भाई मैं तो रेडी हूँ, उसने क्यू कार्ड दिया। हम ये दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो टाइम नहीं लेता प्रिपेयर करने में, मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ बिना देखे क्यू कार्ड को, आई एम रेडी बोल के स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी पॉजिटिव। 1 मिनट पूरा लो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एग्जामिनर को ये भी ना लगे कि भाई ये तो रट्टा मार के आया हुआ है, मेमोराइज आंसर नहीं देने हैं वहां पे। अगर आप जल्दी भी, अगर 10 सेकंड में उसको कह दोगे ना मैं तैयार हूँ, तो उसके कुछ ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे आपको। 1 मिनट दिया गया, वो पूरा टाइम लेना ही लेना है। यू हैव टू मेक श्योर यू यूज एंड यूटिलाइज दो दैट पर्टिकुलर मिनट, दैट पर्टिकुलर 1 मिनट टू प्रिपेयर एंड टू यू नो
have some idea and visualization of how you have to structure your answer and how you have to give your response. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है. Then tip number three है tense. ये बहुत important चीज है. आपको इसके example देता हूँ. Let's say आपको एक cue card आ गया. Describe a place you would like to visit. फिर नीचे bullet points दिए. Have you traveled to any similar place in the past? तो डिस्क्राइब अ प्लेस यू वुड लाइक टू विजिट. ये फ्यूचर में होगा. आई वुड लाइक टू गो टू पेरिस इन द कमिंग फ्यूचर, इन द नेक्स्ट 3 years, इन द नेक्स्ट 2 years, या विद माई वाइफ, या विद माई गर्लफ्रेंड, या विद माई फैमिली. तो ये फ्यूचर में होगा. फिर एक बुलेट पॉइंट है कि ऐसी कोई सिमिलर जगह आप पहले गए हो. अगर इसका आंसर हाँ दे रहे हो, क्योंकि वो तो काइंड ऑफ देना ही पड़ेगा क्योंकि हमने टाइम निकालना है. येस आई हैव ट्रेवल्ड अ फ्यू प्लेसेज विच आर क्वाइट सिमिलर टू पेरिस. वन ऑफ देम इज जर्मनी. आई वेंट देयर व्हेन आई वॉज इन ईयर 7 on a school trip. We enjoyed there a lot. तो वहां पे enjoyed आएगा. Past tense में बातें चलेंगी. और जब वो कह रहा है कि आप जाना चाहोगे, future tense में चलेंगे. Future को आप ये नहीं बोल सकते I wanted to go to Paris. No, I would like to travel to Paris. So you have to be very careful. अगर past tense में तो ed form या past form में आएगा, future में तो future में आएगा. इस चीज का ध्यान रखना बहुत important है, ठीक है. ये गलती बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं. सारे के सारे आंसर प्रेजेंट में दे रहे हैं, या पास्ट में दे रहे हैं, या फ्यूचर दे रहे हैं, चेंज ही नहीं कर रहे हैं. जब भी आपको नोटपैड दिया गया या शीट दी गई नोट्स बनाने के लिए, पूरे पूरे सेंटेंसेस मत लिखना वहां. सिर्फ एक एक बुलेट पॉइंट के दो दो तीन तीन कीवर्ड, कीवर्ड सिर्फ कीवर्ड. मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कीवर्ड कैसे लिखे हैं और स्पाइडर स्केच कैसे बनाया. मैंने स्पाइडर स्केच बनाना है. आपने 6 बुलेट पॉइंट्स बना लेने हैं यहाँ पे, और हर एक बुलेट पॉइंट का दो दो कीवर्ड लिखने. रश नहीं करना, नेचुरली बोलना. जब हम नेचुरली बोलते हैं, या कोई इंग्लिश स्पीकर नेचुरली भी बोलते हैं ना, वो बस बोलता नहीं रहता. वो इंटोनेशन लेके आता है, अप एंड राइज लेके आता है अपने टोन में. वो हल्का सा पॉज लेता है, फिर बोलता है. आप हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी कुछ भी बोलोगे, यू पॉज अ बिट एंड देन यू गो ऑन. तो यू डोंट हैव टू रश. आपको भागना नहीं है. यू हैव टू टेक इट वेरी इजी, नेचुरली, काम एंड कंपोज मैनर में बोलना. बहुत तेज बोलोगे, वो ये भी डेमोन्स्ट्रेट करता है कि बंदा नर्वस है. So you have to be very calm and speak in a very easy and calm manner. ठीक है. रश नहीं करना, लेकिन फ्लुएंटली बोलना है. बहुत फॉर्मल नहीं होना. यस आपको अकेडमिक वर्ड्स यूज करने हैं, बट इतना भी फॉर्मल नहीं होना कि ऐसे लगे कि पता नहीं बंदा क्या कर रहा है. और बहुत ज्यादा कनेक्टर्स भी यूज नहीं करने. कनेक्टर्स वहीं यूज करने हैं जहाँ पे लॉजिकल लगे. जैसे माई नेम इज वरुण, मोर ओवर आई एम फ्रॉम इंडिया. तो यहाँ पे मोर ओवर गलत है. हर एक सेंटेंस के बाद कनेक्टर नहीं यूज करना. आप वहां पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे सेंस बने. My name is Varun. I am from India and I have been living here from last 20 years. अब मैंने क्या किया कि मैं इंडिया से हूँ और मैं यहाँ पे भी एक छोटा सा मैंने कनेक्टर यूज कर दिया and kind of, right? फिर आप कैसे बोल सकते हैं however I still miss my country. लेकिन मैं अभी भी अपने देश को मिस करता हूँ. तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं. तो वहीं पे यूज करना है जहाँ लॉजिकल है. एक्सेसिव नहीं यूज करना. Alright. अब आप स्टार्ट करने के लिए अपना आंसर कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं अपना फ्लो कोहेरेंस इंप्रूव करने के लिए. जब पर्सनल ओपिनियन देना है, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, स्पीकिंग फॉर मायसेल्फ, फॉर मी आई वुड से दैट पर्सनली. लेट्स सी, उसने बोला डू यू लाइक टू ट्रेवल. एक क्वेश्चन था. पर्सनली आई डोंट, आई एम नॉट अ पर्सन हु इज टू मच इनटू ट्रेवल, बट यस इफ आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स टू ट्रेवल अलोंग आई वुड नॉट मिस दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी. तो इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं. कोई चीज को एक्सप्लेन करना है. Why do you play sports? Why do you describe a sport you play? Do you enjoy it? Yes, I get a lot of pleasure out of it because it keeps me fit and healthy. I'm very fond of drawing. I'm very fond of painting. I like painting more than anything because it brings out the artist. It brings out the artist inside me and gives me a new picture of myself. या फिर ये भी यूज कर सकते हो. The reason why I am into swimming, yeah, the reason why I am inclined towards this is it keeps me mentally and physically fit and I stay energetic throughout the day. Connectors also use कर सकते हो. same चीज, या अगर आप same flow में जा रहे हो, let's say आप किसी चीज के positive दे रहे हो, आपको एक और positive देना, तो यहाँ पे आप also use कर सकते हो. on top of that कर सकते हो, in addition to this कर सकते हो, not only this but also. For example, swimming keeps me healthy. Not only it keeps me healthy, but it also keeps me motivated throughout the week and helps me to perform to the best of my ability. However, but आप कब कर सकते हैं contradict करने के लिए चीजों को. जैसे आपने पहले positive बोला, बाद में आपने negative करनी है कोई चीज.
Yes, I am into swimming and I spend a few hours. However, sometimes I feel a bit lazy and I skip the sessions. But I know I shouldn't be skipping the sessions as it I feel that I am out of momentum after a while. So यहाँ पे contradict करने के लिए यू कैन यूज दीज वर्ड्स. ऑन टॉप ऑफ दैट अगेन एडिशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, शुरू करने के लिए या टाइम खाने के लिए. याद नहीं आ रहा, उसने बोला डिस्क्राइब अबाउट अ पर्सन यू एडमायर. Well, if I have to speak about this, the first person which I would say, yeah, the first thing I would say is that every one of us in the present world follow a few famous personalities. I also follow a few famous personalities, but if I have to talk about one, I would say the one which I follow and want to become like is Virat Kohli. So something like this. यहाँ पे हमने क्या किया, 10 से 15 सेकंड खा लिए, ये वर्ड बोला, फिर अपने ऐसे या फिर जो टॉपिक आया था हमें उसको पैराफ्रेज कर दिया. या फिर टू बी ऑनेस्ट, वेन एवर आई थिंक अबाउट अ पर्सन आई एडमायर, आई वुड लाइक टू, या आई ऑलवेज हैव विराट कोहली ऑन माई माइंड. यू नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव थॉट अबाउट दिस मैटर, बट इफ यू आस्क मी टू डिस्क्राइब अ पर्सन आई एडमायर, आई विल से देयर आर फ्यू पीपल और फेमस पर्सनैलिटीज आई फॉलो फॉलो क्लोजली, बट वन पर्सन इज दिस. It really excites me to think about this. There are many, but I would like to talk about ये बंदे का नाम. ठीक है, तो you can start with these time buying fillers as well. Grammatical range और accuracy बहुत important है, जैसे कि मैंने बताया, लेकिन बोलते बोलते इन पे focus नहीं करना. हम क्या करते हैं जब बोल रहे होते हैं ना, क्यू कार्ड, बहुत बच्चे का ध्यान कम्युनिकेट करने से हटकर अपने मार्किंग क्राइटेरिया पे चले जाता है. मार्किंग क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, बट वहां पे बोलते हैं सोचना नहीं है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और मुझे पता लग गया कि मैंने ग्रामर गलती करी है, तो मेरा ना, मैं नर्वस हो जाऊंगा, मैं सही चीजों को भी गलत करने लगूंगा. एग्जामिनर को भी पता है, सबको पता है कि यू कैन नॉट बी परफेक्ट, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी परफेक्ट, बट वट दे आर एक्सपेक्टिंग यू इज टू कम्युनिकेट. एक नेटिव स्पीकर भी इंग्लिश में बोलेगा, या मैं हिंदी में बोलूंगा, या पंजाबी में बोलूंगा, या आप इंग्लिश में बोलोगे, हिंदी में, गुजराती में बोलोगे, आप गुजराती के हिसाब से, हिंदी के हिसाब से ग्रामर गलत करोगे. तो दे आर नॉट लुकिंग फॉर परफेक्शन, बट दे आर लुकिंग फॉर समथिंग विच इज क्लोज टू परफेक्शन. थोड़ी बहुत गलतियां होगी तो इग्नोर करो. एक गलती के चक्कर में हम 5 गलतियां कर देते हैं. गलती होगी छोड़ो उसको, जो गया गया, जो आपके हाथ में है उसको प्रॉपरली कंट्रोल करो और उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म करो. दैट इज समथिंग यू नीड टू डू एंड यू विल बी 100% फाइन इफ यू फॉलो दिस. ठीक है, ग्रामेटिकल रेंज एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ इस पे ही फोकस मत करो. कोई भी मिस्टेक होती है उसको इग्नोर करो, वी आर नॉट एमिंग फॉर परफेक्शन. सेम वर्ड रिपीट करना अवॉइड करो, सिनोनिम्स यूज करो. सेम थिंग फॉर द क्वेश्चन एज वेल. जैसे उसने फेमस पर्सनैलिटी बोला, आप बोल सकते हो वेल नोन पर्सन, अ पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ फेम. ठीक है, तो अ पर्सन आई एडमायर, या लॉट ऑफ पीपल फॉलो. तो क्वेश्चन को भी आप पैराफ्रेज करो ताकि आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज अप जाएं. अब आपको 4 बुलेट पॉइंट या 3 बुलेट पॉइंट दिए गए होते हैं. जरूरी नहीं होता कि आपको हर एक के बारे में बोलना. कई बार ये वाले बुलेट पॉइंट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, तो आप छोड़ भी सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं. आप 2 मिनट इन तीनों को एक्सप्लेन करने में लगा दो, दैट्स मोर देन इनफ. और ये भी जरूरी नहीं है कि चारों के बारे में 30-30 सेकंड बोलना. इसके बारे में आप 1 मिनट भी बोल सकते हो, इसके बारे में 10 सेकंड भी बोल सकते हो, इसके बारे में 20 सेकंड भी बोल सकते हो. यू डोंट हैव टू स्पीक फॉर एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू स्पीक इक्वली फॉर एवरीथिंग. रिमेंबर दिस थिंग. बच्चे कहते हैं कि भाई नोट्स देखेंगे तो आई कॉन्टेक्ट हट जाएगा. आपको शीट इसीलिए दी गई है कि नोट्स बनाओ. अब जो आपको शीट दी गई है वो इसीलिए दी गई है कि आप वहां पे नोट्स बनाओ, और ऐसा नहीं है कि आप शीट को नहीं भी देख सकते. बट आपको ऐसा नहीं करना कि आप बोल रहे हो, शीट को पढ़ रहे हो, 5 सेकंड लेके फिर दोबारा आंसर दे रहे हो. शीट पे कीवर्ड्स लिखे हैं, कीवर्ड से सेंटेंसेस और आइडियाज बनाने हैं, मैं आपको दिखाऊंगा. आप बोलते बोलते शीट पे हल्का सा देख सकते हो, लेकिन आपने चुप नहीं करना, फ्लुएंसी नहीं रोकनी. और ये भी नहीं कि उस पर देखते रहना, उसको हल्का सा देख के 1-2 सेकंड, देन यू लुक बैक इन टू द आईज ऑफ द एग्जामिनर, मेंटेन द आई कॉन्टेक्ट एंड गो ऑन. तो ऐसा नहीं है कि आप शीट पे नहीं देख सकते, बट बहुत लंबे समय के लिए नहीं देखना है. एंड ऐसा भी नहीं करना है कि देखते देखते रुक जाओ, बोलना बंद कर दो. इन चीजों का भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बच्चे घबराते हैं शीट में देखने से. कोई भी टास्क अचीवमेंट नहीं होती है तो वो आपके आइडियाज की एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का ध्यान रखते हैं. हाँ, अब मैं क्या रेकमेंड करूंगा, लेट्स से 4 बुलेट पॉइंट है ना, मैं हमेशा क्या करता हूँ कि जो पहला बुलेट पॉइंट और दूसरा है ना, इसके बारे में थोड़ा ज्यादा बोलो. उससे क्या होता है कि
कि अगर मुझे इसके आइडियाज भी नहीं आ रहे ना थर्ड और फोर्थ के, तो यहाँ पे मैंने 1-1.5 मिनट इजीली खा लिया, और यहाँ पे 1-1.5 मिनट स्पेंड करना इजी होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 10 सेकंड 15 सेकंड बोला, यहाँ 15 सेकंड बोला, अब यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ, मुझे पता है मेरे पास तो दो ही चीजें रह गई और 1.5 मिनट पड़ा है, मैं वैसे ही नर्वस हो जाऊंगा। यहाँ पे कहानी बनाओ, यहाँ पे इसको खींचो, ब्रैग अबाउट इट, ब्रैग इट अलोंग, इसको भी खींचो, 1-1.5 मिनट निकाल दो। यहाँ पे 30 सेकंड रह गए हमारे, सिर्फ 30 सेकंड रह गए। यहाँ पे कुछ नहीं भी पता लगेगा ना, इन दो बुलेट पॉइंट्स को पैराफ्रेज ही करोगे, वहां पे 15-20 सेकंड निकल जाएंगे। तो ट्राई करो जो पहले बुलेट पॉइंट्स हैं, जो आपका टॉपिक है और सेकंड बुलेट पॉइंट है, उनके बारे में थोड़ा ज्यादा बोलो, ताकि एंड में आसानी हो। अगर डाउट है, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन फैमिली को लेके आना है। कैसे? दिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन फैमिली में 5 से 6 चीजें होती हैं, www, जो भी टॉपिक है देखो कि किसके बारे में, उसके बारे में एक्सप्लेन करो, या कौन सी चीज है उसके बारे में, आपको कब पता लगा, क्यों पता लगा, जब पता लगा आप किसके साथ थे, कहाँ पे थे और कैसे पता लगा। कोई भी टॉपिक ले लो, कोई भी टॉपिक ले लो, ठीक है? ओके, डिस्क्राइब अबाउट योर होम टाउन। मुझे नहीं पता लग रहा कि भाई मैं होम टाउन के बारे में क्या बोलूं। वेल, होम टाउन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड। सिमिलरली माई होम टाउन हैज अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। इफ आई हैव टू टॉक अबाउट माई होम टाउन, इट इज अ स्मॉल विलेज in the Punjab province of North India. Its name in my hometown is Amritsar, for example. Main bol deta hu Amritsar, and we are living there from the last 10 years. We moved here from Ajmer because my father got transfer on, you know, at his work, you know, my father got transferred to a different location while working as a manager in the bank. We are living in the hometown with my family, and in my family I've got my father, mother and my grandfather and grandmother, your grandparents as well. We live in the main city and it is full of hustle and bustle. People are usually busy over there. How कैसे रहते हो? We live in a, यहाँ पे अब how का मेरे को पूरा exact नहीं पता लगेगा। यहाँ पे बता दो कि हम बड़े घर में रहते हैं, हम रेंट पे रहते हैं, हमने अपना घर खरीद लिया है, या इनिशियली वी वर लिविंग ऑन रेंट बट नाउ वी हैव बॉट अ फ्यू हाउस। मुझे पता है थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा है, थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा है, बट अब मुझे पता ही नहीं होम टाउन के बारे में क्या बोलना है। आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है, राइट? दो ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन है कि ना ही बोलो। क्वेश्चन फैमिली कब लेके आनी है? जब आपके पास आइडियाज नहीं है। उससे क्या होगा, आपको आइडियाज अपने आप आ जाएंगे, आप अपने आप को क्वेश्चन करोगे, 2-4-5 चीजें निकल ही जाएंगी। तो क्वेश्चन फैमिली हेल्प करेगी टाइम खाने में और चीजों को रिलेटेड वे में बोलने में। थोड़ा बहुत ऑफ टॉपिक जाएगा, बट बिल्कुल ही ना बोलने से या गलत बोलने से या रुक जाने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ तो बोले ही बोले। इन चीजों का ध्यान रखना, 100% आपकी हेल्प करेगी क्वेश्चन फैमिली, ध्यान रखना, ठीक है? लेट्स मूव ऑन। ओके, जब भी स्टार्ट करना एक जनरल स्टेटमेंट दे देना, जैसे मैंने बोल दिया था होम टाउन हैज अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट, या कोई भी, होम टाउन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस बिकॉज इट शेप्स योर पर्सनैलिटी एंड डिटर्मिन्स हाउ यू परफॉर्म और वट यू डू इन द लेटर स्टेजेस ऑफ योर लाइफ, समथिंग लाइक दिस। कोई भी एक जनरल स्टेटमेंट दे दो, उससे क्या एक स्टार्ट अच्छी मिल जाती है, सोचने का टाइम मिल जाता है, 10-15 सेकंड भी लग जाते हैं। अगर श्योर नहीं हो, पैराफ्रेज द प्रॉम्प्ट। उसने बोला डिस्क्राइब योर होम टाउन। Well, this is a very good question, and I would love to describe about the place where I've been living from the last 10 years, and I proudly call or refer it to as my hometown. It is a small village in the foothill of Himalayas in the north part of India, known as XYZ, जो भी है। तो मैंने यहाँ पे 15 सेकंड इसको पैराफ्रेज करने में खा लिया। हाँ, अब बच्चे क्या करते हैं, क्यू कार्ड मिला, इनको लग रहा है कि भाई ये तो मैंने पढ़ा हुआ, ऊपर देख लिया गार्डन के बारे में, फ्लावर के बारे में, डिस्क्राइब अ डेंजरस फ्लावर या गार्डन, कुछ भी इन्होंने ये पढ़ा, नीचे बुलेट पॉइंट्स पढ़े नहीं, बाकी कुछ नहीं पढ़ा, आराम से एग्जामिनर को देख के हंसने कि भाई मेरी तो तैयारी है, कुछ भी पूछ ले। बट वो क्या करते हैं, ऊपर वाला टॉपिक रिलेटेड दे देंगे, बुलेट पॉइंट्स चेंज कर देंगे। हमने तो पढ़ा नहीं, एग्जामिनर को भी पता है कि भाई ये चेंज करके आया और ये बंदा सेम टू सेम ही बोले जा रहा है। दैट इज समथिंग यू रियली नीड टू अवॉइड। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, किया नहीं किया, हर एक चीज ध्यान से पढ़ो, एक एक वर्ड, एक एक
चीज ध्यान से पढ़ो और ध्यान से आंसर करो, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, चाहे आपने 5 बार भी किया हो वो क्यू कार्ड, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना प्लीज। ऑलराइटी, अगला, यस, नंबर 20, स्टोरी को ड्रैग करो, स्टोरी कुक करो, लेकिन रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, ये याद रखना, कुछ भी हो जाए आइल्स में पीटी में रुकना नहीं है। सभी के सभी सिंपल सेंटेंस नहीं बनाने, थोड़े कनेक्टर वाले, थोड़े लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाओ। भागना नहीं है, आराम से कामली बोलना। यस, आप कॉन्ट्रेक्शन यूज कर सकते हैं, डोंट, कांट, शुडेंट, वुडेंट, ये यूज कर सकते हैं। राइटिंग में हम अवॉइड करते हैं बट यहाँ यूज कर सकते हैं। कोई भी राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है, आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, आइडियाज भी दे सकते हैं, क्या आप सोचते हैं, क्या आप फील करते हैं, या आप कोई भी एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। टाइम के बारे में नहीं सोचना है, ये बहुत बड़ी गलती है, बच्चे सोचते हैं कि टाइम कितना हो गया, 1 मिनट हो गया, 1.5, भाई जितना मर्जी हो जाए, आप चीजों को घुमाओ, आप उन्हीं चीजों को, एक चीज आपने बोल दी थी शुरू में कुछ याद नहीं आ रहा, उसी को पैराफ्रेज करके बोलो, कुछ ना कुछ करो, बट रुकना नहीं है, वर्स्ट केस में बोल रहा हूँ, काम रहो, रिलैक्स करो, स्माइल करो, सोचो और कहानी बनाओ, और 2 मिनट क्लियरली ग्रामेटिकल तौर पे सही वर्ड्स को रिपीट मत करो और आराम से बोलो, एंड यू विल बी 100% फाइन। अब मैं आपको एक सैम्पल क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़े से टिप्स क्या हैं क्यू कार्ड के, शांत रहना, एक आइडिया से दूसरा आइडिया निकालना, दूसरे से तीसरा निकालना, तीसरे से चौथा निकालना, उन चीजों को एक्सप्लेन करना। उसने बोला डिस्क्राइब दिस वाटर बॉटल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे तो पता ही नहीं भाई ये तो वाटर बॉटल मेरे को किसी ने दी थी, मेरे को क्या डिस्क्राइब करूँ। वेल, वाटर से शुरू कर लो कि वाटर बहुत जरूरी है पीना, वाटर इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ अ बॉडी, वी नीड टू मेक श्योर वी हैव इनफ वाटर इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी एंड मेंटेन अ हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल, दैट इज द ओनली रीजन आई बॉट दिस बॉटल, इट इज वेरी स्पेशल बिकॉज इट वॉज गिफ्टेड एंड आई इट वॉज गिफ्टेड, पहले मैंने बोल दिया बॉट या फिर आई हैव दिस बॉटल, इट वॉज गिफ्टेड बाय माई फादर ऑन माई 20th बर्थडे एंड आई हैव केप्ट इट सेफ एंड साउंड फ्रॉम द लास्ट 5 years, आई यूज इट वेन एवर आई ट्रेवल टू वर्क एंड वेन एवर आई गो आउट विथ माई फ्रेंड्स टू कैरी वाटर, इट इज वेरी हेल्पफुल एंड इट इंश्योर्स और इट हेल्प्स मी टू इंश्योर दैट आई हैव और आई ड्रिंक इनफ वाटर ड्यूरिंग द डे, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस वाटर इज दैट इट कीप्स द वाटर कूल इन द समर्स एंड वार्म इन द विंटर्स, प्लस द बेस्ट थिंग प्लस या फिर ऑन टॉप ऑफ दैट इट ऑल्सो हैज अ मेजरमेंट विच हेल्प्स मी टू मेजर हाउ मच आई ड्रैंक थ्रू आउट द डे और हाउ मच वाटर आई हैड थ्रू आउट द डे, आई थिंक माई फादर बॉट इट फ्रॉम द सुपर मार्केट ऑन अ डिस्काउंट विच एंड इट कॉस्टेड हिम अराउंड 100 रुपीज या 100 डॉलर्स वॉट एवर इज। अब मैंने क्या किया बॉटल के बारे में आपको अभी 1 सेकेंड में मैंने कहानी क्या बना दी कि भाई बहुत स्पेशल है, 5 सालों से है, जब मेरा 20th बर्थडे था मेरे को गिफ्ट दी थी, टाइम पीरियड बता दिया करो, फिर किसने गिफ्ट दी थी, क्यों दी थी, मेरे लिए क्यों स्पेशल है, कैसे हेल्प करती है, 30-40 सेकेंड तो मैं बॉटल के बारे में बता दिया आपको, उसमें तो आपको 4 बुलेट पॉइंट दिए हैं, वो आपने घुमाने हैं बस, दैट्स वॉट यू हैव टू डू। आपको क्या करना है, क्लियर बोलना है, आराम से बोलना है, वर्ड्स रिपीट नहीं करने, कहानी बना के उसको ड्रैग करनी है, एक आइडिया से दूसरा आइडिया, दूसरे से तीसरा आइडिया, कुछ नहीं पता लग रहा, अपने आपको पूछो ये क्यों ली थी, कहाँ से ली थी, कब ली थी, किसके साथ ली थी, किसने लेके दी थी, कैसे हेल्प करती है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। आप अपने ओपिनियन भी दे सकते हो, अपना एग्जाम्पल भी दे सकते हो, अपनी फीलिंग भी दे सकते हो, अपने जो आप सोचते हो उसके बारे में वो भी बता सकते हो, तो यू विल बी 100% फाइन, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक सैम्पल क्वेश्चन आंसर, डिस्क्राइब अ फेमस पर्सन यू एडमायर, यू शुड से हु इज दिस पर्सन, ये बंदा कौन है, आपको इसके बारे में कैसे पता लगा और आप इसको एडमायर क्यों करते हैं, मैं अपने नोट्स कैसे बनाऊंगा फेमस, इसको पूरा एग्जैक्ट ऐसे नहीं बनाना है, बस ये मैं आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ। 6 चीजें लिख लो, कौन है विराट कोहली, क्रिकेट कैप्टन, वर्ल्ड कप year 9 में मुझे इसके बारे में पता लगा, क्यों अच्छा लगता है मुझे, एडमायर क्यों करता है, एटीट्यूड डिसिप्लिन के कारण, किसके साथ था जब मुझे पता लगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ था, घर पे था, ठीक है, हाउ मैंने नहीं लिखा, मुझे याद नहीं आ रहा था 1 मिनट में, फिर मैंने कीवर्ड लिखते हैं कि वेल रिस्पेक्टेड है, डाउन टू अर्थ है, चैरिटी करता है, इंस्पायरिंग है, वर्क लाइफ बैलेंस है, प्रूव हिमसेल्फ, एग्जाम्पल दे दूंगा, इसकी स्टोरी दे दूंगा। वेल, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट अ फेमस पर्सन, द वेरी फर्स्ट पर्सन विच कम्स टू माई माइंड इज विराट कोहली, आई हैव बीन फॉलोइंग हिम फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स एंड ही हैज ग्रेटली इम्पैक्टेड बोथ माई प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, ही इज अ पर्सन विच एवरी वन शुड फॉलो एंड एवरी वन ड्रीम्स टू बिकम लाइक, ही इज द
कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एंड इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स इंडियन टीम हैज एवर प्रोड्यूस्ड. आई केम टू नो अबाउट हिम अराउंड 20 ईयर्स बैक व्हेन आई वाज इन ईयर 9 एंड वर्ल्ड कप वाज गोइंग ऑन. I was watching this match on television with my friends and family because it was the final match of the World Cup, and you know that cricket is a religion in India and everyone gets together on these kind of special occasions. So while I was watching the match with my friends and close ones at my home, I noticed that this person has something in himself and there's a different fire in him. What inspired me the most about him, or what inspired me about him, was his attitude and discipline. When he came out to bat, India was in the worst position ever possible, but he was not nervous at all. As soon as he stepped onto the field, it was clear that he's here to win the match and he's not scared about anything. That is something which inspired me. And that is the day since that I'm following him. He's not just a good cricketer. He's a well-respected and down-to-earth personality. He contributes a lot towards social and noble causes and runs a lot of non-government organizations, NGOs and charities. He's inspiring and maintains a very good work-life balance, which makes him a perfect family man. Every time he has proven himself and his story an example of being a great human being is something which everyone should live up to. अब मैंने क्या किया, कहानी क्या बनाई कि विराट कोहली है भाई, उसके बारे में मुझे 20 साल पहले पता लगा जब मैं वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देख रहा था, इंडिया हार रही थी, तो मैंने देखा इसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, इसका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है. घर में मैं बैठा था, दो मिनट मैंने इजिली बोल दिया या डेढ़ मिनट मैंने बोल दिया. मैं इसका एग्जाम्पल भी दे सकता था, इसकी स्टोरी भी बता सकता था. ये मिडिल क्लास फैमिली में आता है, जैसे मैं हूँ मिडिल क्लास का, तो मैं भी इसके जैसा बनना चाहता हूँ. ठीक है, अब सैम्पल आंसर क्या है मैंने लिखा हुआ आप लोगों के लिए. वेल आई हैव बीन आस्क्ड अबाउट दिस बिफोर एज वेल एंड एवरी टाइम द पर्सन विच कम्स टू माई माइंड इज विराट कोहली. ही इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एंड इज लीडिंग द टीम इन ऑल द थ्री फॉर्मेट्स. तो ये सारी चीजें याद नहीं आएंगी, बट मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए ली. इट डेट्स टू, अब मैंने यहाँ पे देखो कोहेरेंस कैसे कर रहा हूँ या कैसे मैं काइंड ऑफ चीजों को रिलेट कर रहा हूँ. इट डेट्स टू 2008 व्हेन आई वाज इन ईयर 9 या क्लास 9 या स्टैंडर्ड 9 एंड वाज वाचिंग अ क्रिकेट मैच विद माय फैमिली. We were amazed by his performance. Watching him play in the initial stages of his career, it was clear that he has that fire and hunger to be the best. More than his performance, what astounded me was his attitude and his story. My father told me that he comes from a lower middle class family and has been through many struggles. That was the day I started following him, and since then have had high regard for him. Also, he has achieved various achievements ki jagah feats maine likha yahan pe, both off and on the field. All thanks to bahut important kind of phrase aap use kar sakte ho jab aap kisi ko refer kar rahe ho ya keh rahe ho ki iski wajah se hua. I have become a successful person all thanks to my brother, all thanks to my sister, x y z. His attitude, discipline and hard work. Ye to ek thoda in depth answer hai, but maine keyword se kaise banaya, pehle isko maine 10-15 second khicha, फिर इसको बताया कि मुझे कब पता लगा. मैं घर में बैठ के फाइनल मैच देख रहा था, मेरे पेरेंट्स ने बताया, फिर क्या कहते हैं उसका एटीट्यूड, हम मैच हार रहे थे उसने जिता दिया, वो बहुत रिस्पेक्टेड है, चैरिटी भी करता है, बिजनेस भी चलाता है, वर्क लाइफ बैलेंस भी है. तो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ एज वेल. तो ये था आपका आईएलटीएस स्पीकिंग क्यू कार्ड. किस चीज का ध्यान रखना है, किस चीज को अवॉइड करना है, आराम से बोलना है, कहानी बनानी है, और जो इनिशियल एक दो बुलेट पॉइंट्स होते हैं उनको थोड़ा ज्यादा खींचना है. कन्फ्यूज हो चीजों को पैराफ्रेज करो, जो टाइम बाइंग फिलर्स हैं वो यूज करो, लेकिन चुप मत करना, ट्राई करो एग्जैक्ट 2 मिनट्स जाओ. फ्लुएंसी का ध्यान रखो, लिंकर्स यूज करो, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी का ध्यान रखो, क्लियर बोलो एंड यू स्माइल एंड कीप काम एंड बी कॉन्फिडेंट. ये चीजों को फॉलो करोगे, क्वेश्चन फैमिली को अपने आंसर में लेके आओगे, कीवर्ड्स लिखोगे, हर एक कीवर्ड को ट्राई करोगे एक आइडिया से दूसरे आइडिया निकालने में, you will be able to solve each and everything 120%. अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर हेल्पफुल थी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना सो दैट दे कम टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, और आपके साथ उनका भी स्कोर आए एंड यू बोथ अचीव योर ड्रीम्स एंड गो ओवरसीज एंड स्टडी. दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो.
कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई हेल्प चाहिए, कोई डाउट है, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही, प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके लिए वही टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा। एंड प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब। अगर आप इंडिया में हैं, आपको आयल्स के बारे में ट्रेनिंग चाहिए, कोचिंग चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, आप हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं या हमारी जलंधर ब्रांच आके विजिट कर सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या किसी भी और कंट्री में हैं, आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में आप हमारी इस ब्रांच पे या इस ब्रांच पे आके विजिट कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। वरुण फ्रॉम लैंग्वेज अकेडमी। कीप काम, प्रैक्टिस, यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग। बट मेक श्योर करो कि आप काम रहो, रिलैक्स रहो, एंड यू गिव योर 120% एंड यू आर गोइंग टू क्रैक योर आइल्स इन द वेरी फर्स्ट रो। टेक केयर, स्टे सेफ, आई विल सी यू वेरी सून।